हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने वीडियो में क्या कर रहा था, दैट मींस हमने एक डॉक्यूमेंट फाइल को रीड कर रहा था और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो हमने कर रहा था वो क्या कर रहा, उस डॉक्यूमेंट फाइल को कन्वर्ट कर रहा था टेक्स्ट टू स्पीच में। दैट मींस उस डॉक्यूमेंट की फाइल को, दैट मींस आपकी जो एमएस वर्ड की फाइल थी उसको हमने स्पीच में कन्वर्ट कर रहा था। आज जो हम करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल के कंटेंट्स को अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे, वो भी पाइथन के थ्रू। तो उसके लिए जो आपको पैकेज चाहिए, वो आपको पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज आपका पैकेज जो होगा दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट PyPDF2। इस पैकेज के थ्रू आप क्या करोगे, अपनी पीडीएफ फाइल के कंटेंट्स को रीड करोगे और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा पाओगे। फिर हमने क्या करा, अपने एक पीडीएफ फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, PDF_file इक्वल्स टू ओपन। हमने इस पीडीएफ फाइल को ओपन कर रहे हैं। इस फाइल के कंटेंट्स किसके अंदर चले आएंगे, PDF_file वेरिएबल के अंदर चले आएंगे। और हमने किस मोड में ओपन करा, दैट इज रीड बाइनरी मोड में। अब हमने क्या करा, read_pdf एक वेरिएबल लिया है और हमने क्या करा, इस पैकेज डॉट रीड फाइल आपकी जो पीडीएफ फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट हुआ उसके थ्रू हमने क्या करा, इस फाइल को रीड करा। अब क्या हुआ, रीड पीडीएफ के अंदर सारे कंटेंट्स आ गए। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू read_pdf गेट नंबर ऑफ पेजेस। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी पेज थे, सपोज इसके अंदर 10 पेजेस थे, तो क्या जाएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पेजेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 10। अगर पीडीएफ की क्या था, 10 पेजेस थे। अगर पीडीएफ के अंदर 100 पेजेस थे तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 100। दैट इज टोटल नंबर ऑफ पीडीएफ के पेजेस जो होंगे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। फिर आपने क्या करा, एक स्टार्ट वेरिएबल लिया और इनपुट कराया एंटर स्टार्ट पेज नंबर। दैट मीन्स आपने सपोज यहाँ पर दिया 1, तो किसके अंदर चले जाएगा, स्टार्ट के अंदर चले जाएगा। फिर आपने क्या था, आपको किस पेज तक उस पीडीएफ फाइल को रीड करना है, वो वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, एंड के अंदर। सपोज यहाँ पर आपने क्या दे दी, दैट इज 4, तो आपका क्या करेगा, स्टार्ट के अंदर 1 वैल्यू आ गई और एंड के अंदर दैट इज 4 आ गई। फॉर आई इन रेंज आपका लूप कहाँ से चलेगा, start -1। start -1 का मतलब क्या, अगर आपने 1 दिया तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, दैट इज 0। पीडीएफ फाइल के अंदर जब पेजेस की इंडेक्सिंग करता है तो जो पहला पेज होता है पीडीएफ के अंदर वो क्या होगा, 0 होगा। जो हमारे लिए जो पहला पेज होएगा, सेकंड पेज होएगा, वो क्या होएगा, 1 होएगा। दैट मीन्स पीडीएफ फाइल के जो पेजेस की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो किस पेज से स्टार्ट करेगा, दैट इज 0 पेज से स्टार्ट करेगा रीड करना। अगर आप यहाँ पर 5 लिखते हो तो किस पेज से स्टार्ट करेगा, दैट इज पेज नंबर 4 से। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या लिखा, PDF_read.getPageI। तो पहली वैल्यू क्या होगी, सपोज अगर 1 होगी तो पहली पेज के अंदर जो भी गेट उसका जो पेज होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, पेज वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, जो पहला पेज होगा। सिर्फ उस पेज का पूरा, दैट मीन्स उसके अंदर जो चीज़ होगी उसमें सारी चीज़ आ जाएंगी। फिर आपने क्या लिखा, page_content इक्वल्स टू page.extractText। अब सपोज उसके अंदर पहले पेज के अंदर आपके पिक्चर्स भी थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट क्या करें, उन पिक्चर्स को छोड़ देगा, जो टेक्स्ट के कंटेंट्स होंगे वो किसके अंदर डाल देगा, दैट इज page_content के वेरिएबल के अंदर डाल देगा। फिर आपने जो page_content के अंदर वैल्यू आई थी उसको प्रिंट करा दिया, अगेन वो नेक्स्ट पेज के लिए करेगा एंड सोन करता रहेगा। लास्ट में आपने क्या करा दिया, जो आपका यहाँ पर आपने इनपुट कराया था, दैट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस आपने रीड करे थे, कितने नंबर ऑफ पेजेस आप इस फाइल के अंदर हैं, उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सपोज अगर ये फाइल 120 पेजेस की थी तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 120। हम चेक कर लेते हैं, कोई हमारी इस वाली पीडीएफ को ले लेते हैं, L25 python.3। तो मैं यहाँ पर ओपन करी हुई है शायद ये फाइल, ये ओपन कर रखी है मैंने, फाइल का नाम आप चेक कर लिए, L25_python3.pdf। इसके अंदर टोटल कितने पेजेस हैं, दैट इज पेज 24 है। देखिए 24 पेजेस है और ये जो पेज है दैट इज पेज 0 है, ये 1 है लेकिन हमारे इंडेक्स में क्या आएगा, दैट इज 0। चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं, इस पैथन को, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। करके तो क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, डी ड्राइव पे जाते हैं, CD, दैट इज हमारा क्या है, दैट इज कुल फॉर्म। हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट इज चेक कर लेते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है हमारा, दैट इज PDF read। हम लिखते हैं पैथन PDF read.py और एंटर प्रेस करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पेज नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपनी PDF फाइल भी, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने एक्रोबैट रीडर के थ्रू। तो मैं जो अभी रीड करूंगा वो पेज नंबर 1 से रीड करूंगा, दैट मीन्स पेज नंबर
वन से रीड करूँगा, दैट इज कॉल्ड हमारा पेज नंबर वन ये है। पेज नंबर टू ये है और हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, दैट इज 24। चलिए तो हम लिखते हैं हमारा पेज नंबर कौन सा हो, दैट इज वन से रीड करना शुरू करें और पेज नंबर फोर तक रीड करें। एंटर करते हैं, चेक कर लेते हैं कि यही हमारे कंटेंट्स थे। देखिए क्या हुआ, दैट इज पाइथन टर्टल ग्राफिक्स 3 और ये एग्जीक्यूट हुआ। आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर वन पर यही है आपका, देन पेज नंबर टू पर क्या है, टुडेज लेक्चर और ये सारा कुछ है। तो हमारा क्या है, दैट इज टुडेज लेक्चर और ये आ गया, दैट इज पेज नंबर आपको यहाँ पर दिखाता जा रहा है, देन टू एंड सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट में जब आपने प्रोग्राम का आउटपुट चेक करा होगा तो उसने, आपको दिखा देता हूँ इसको ऊपर करता हूँ, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है, दैट इज 24। तो आप अपनी पीडीएफ को चेक करेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, दैट इज 24। वो किस वजह से आ रहे हैं, ये जो आपने यहाँ पर कमांड दैट मीन्स फंक्शन यूज करा था, दैट इज गेट पेज पेजेस, गेट नम पेजेस, तो उसने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए थे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस के अंदर ट्रांसफर कर दिए थे, जिसको आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।